हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? वेलकम टू योर के फॉर फिजिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्राइवेट स्टूडेंट्स जो क्लास 10th और 12th के हैं, जो 2023 में एग्जाम देने के लिए ये फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं, उनका कल डेट ऑलरेडी जारी हो चुका है, कल से स्टार्ट हो चुका है, यानी 17 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है और ये 30 सितंबर तक फॉर्म फिलअप होगा विदाउट फी। तो कल देर शाम तक इसका लिंक भी एक्टिव हो चुका है। तो हम लोग को किन किन बातों पर ध्यान रखना है उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा मेन पॉइंट है इसके को ध्यान में रखते हुए हमको फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दीबाजी ना करें, पहला चीज़, और डिस्कस करके अपने दोस्तों के साथ तब जाके आपको फॉर्म किस कैटेगरी में अप्लाई करना है उसके लिए आपको जाना है। ओके, और बिल्कुल इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप सही से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और एक बार फॉर्म अप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद दोबारा एडिट का ऑप्शन CBSE ने नहीं दिया है, तो प्लीज़ केयरफुल रहें। तो हम लोग cbse.gov.in पे जाएंगे और ये मेन वेबसाइट पे गए। मेन वेबसाइट पे जाने के बाद फ्रेंड, हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे व्यक्तिगत परीक्षार्थी का एक फॉर्म आया होता है, व्यक्तिगत परीक्षार्थी पे हम क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तब अब हमारे पास एक और पेज खुलेगा। ओके, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और सिंपली अब आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे हमारे पास एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट ऑफ फॉर एग्जामिनेशन मेन 2023। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड, बहुत केयरफुल रहें, आपके पास क्या क्या स्टेप्स हैं मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता देता हूँ। ये आपके पास कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट फेल्योर्स एडिशनल सब्जेक्ट एंड फीमेल PWD दिल्ली। तो ये जो फ्रेंड है, ये आप जो सिलेक्ट करेंगे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप्स, आपको इसमें से जो कैटेगरी में है उसमें आपको अप्लाई कीजिए, अप्लाई करना है। ओके, अप्लाई करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, तो यही चीज आपको बहुत केयरफुल रखना है, एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप्स है, इस जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं उस कैटेगरी में ये फिलअप करने के बाद आपको सेकंड क्या करना है, सेकंड ये है अपलोड ईमेज, आपको ईमेज अपलोड करना है, ईमेज अपलोड करना है। तो ईमेज अपलोड करने के बाद ये जब आप जो पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, तो आप जैसे सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, एप्लीकेशन नंबर डालना है यहाँ पर और रोल नंबर आपको पुट करके आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड कर देना है, ये जब दो फोटो, एक सिग्नेचर का और एक सिग्नेचर है और एक आपका खुद का फोटो। ओके, तो ये फोटो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, 6 मंथ से पहले वाला नहीं चलेगा, 6 मंथ ओल्डर चलेगा। तो प्लीज़ अगर पुराना फोटो डालेंगे तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, सिग्नेचर वाले, अगर सिग्नेचर वाले बॉक्स में आपको सिग्नेचर का ही इमेज अपलोड करना है, फोटो वाले सेक्शन में फोटो का ही इमेज अपलोड करना है। और इसका साइज होना चाहिए, साइज आपका 40 KB, मतलब 40 KB से कम होना चाहिए या 40 KB होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा है इससे 40 KB से, तो आप इसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर से, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से। ओके, तो ये आपका कॉम्प्रेस कर देगा। ओके, नेक्स्ट आपका है थर्ड स्टेप है ये फी पेमेंट, फी पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जब फी पेमेंट करेंगे, जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है आपको, ट्रांजैक्शन के टाइम में आपको बिल्कुल बैक बटन, जैसे ये वाला बटन, बैक बटन नहीं दबाना है, रिफ्रेश नहीं करना है, ये जो बटन है रिफ्रेश नहीं करना है, रिफ्रेश मत कीजिएगा, वरना ट्रांजेक्शन फंस जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी, फिर दोबारा पेमेंट करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि दो बार पेमेंट CBSE के पास चला गया है और वो रिटर्न भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है, थोड़ा वेट करना है, अपने आप पेमेंट हो जाएगा। अब आपका पेमेंट सही हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये चेक फी स्टेटस, तो यहाँ भी एप्लीकेशन नंबर लगेगा, रोल नंबर लगेगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि फी सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ दिखा देगा आपको। उसके बाद लास्ट में क्या है, फोर्थ कन्फर्मेशन पेज, इसको आपको, इसका जो सॉफ्ट कॉपी होगा इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, और डाउनलोड करके इसको हमें आपके, जब तक एडमिट कार्ड ना आ जाए तब तक इसको
अपने पास ही रखना है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना है। तो हम मान लेते हैं जो बच्चे इम्प्रूवमेंट सॉरी जो बच्चे कंपार्टमेंट कैटेगरी के हैं, अगर वो कंपार्टमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पे रोल नंबर डालना है आपको फ्रेंड, रोल नंबर डाल देना है यहाँ पे, 5 डिजिट स्कूल नंबर, इंटर सेंटर नंबर ऑफ मेन एग्जामिनेशन एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड, जो आपका एग्जाम सेंटर नंबर ऑफ मेन एग्जामिनेशन है, जो एडमिट कार्ड में दिया रहेगा वही डाल देना है। सिलेक्ट प्रीवियस ईयर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, तो आपको ये जो है जो भी रोल नंबर है, 5 डिजिट स्कूल नंबर है, सेंटर नंबर है, प्रीवियस ईयर मेन एग्जाम पर डालना है। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन से ईयर के हैं, कंपार्टमेंट वाले का 2022-2021 का ऑप्शन है। ओके, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड कीजिएगा तो आपको सारा कुछ एड्रेस वगैरह फुलफिल करना है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी वगैरह डाल देना है, फ़ोन नंबर डाल देना है, और अपना एग्ज़ाम सेंटर का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम जाते हैं बैक में इम्प्रूवमेंट वाले सेक्शन में। तो जो बच्चे पास हैं वही इस सेक्शन में फिलअप कर सकते हैं, और 2022 वाले ही बच्चे इसको फिलअप कर सकते हैं। तो जो बच्चे पास हैं, पास का मतलब क्या हुआ, अगर बच्चे 5 सब्जेक्ट है उनका, 5 सब्जेक्ट है, क्लियर है पांचों, तो वो पास में आ गए। जो बच्चे 6 सब्जेक्ट लिए हैं, ओके, और 5 में पास हैं, वो भी क्या है, पास कहलाएंगे, और अगर 1 में फेल हैं तो वो भी पास उनके रिजल्ट में लिखा होगा। तो वैसे 2 टाइप के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट फॉर्म को। ओके, यहाँ पे 10th and 12th ऑप्शन है, डाल देना है। और आपको इसमें भी क्या करना है, इंटर सेंटर नंबर एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड। ओके, सेलेक्ट ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, ओके, 5 डिजिट स्कूल नंबर, ओके, ये इसी में से 2 में से कोई एक आपका यूज होगा। ओके, अगर आपका जो लिखा हुआ एडमिट कार्ड पे, तो आप इसमें से कोई एक डाल के चेक कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो रोल नंबर। तो इस तरह से आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इम्प्रूवमेंट के बाद आते हैं हम फेल्योर्स। ओके, तो फेल्योर में क्या है, एक सेकंड फ्रेंड, थोड़ा फेल्योर वाले में ऑप्शन में क्या है, फेल्योर मतलब एसेंशियल रिपीट वाले कैटेगरी, यानी एसेंशियल रिपीट सेक्शन है। एसेंशियल रिपीट वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ओके, तो जो कंपार्ट स्टूडेंट है वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि पांचों का पांचों, 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट में चाहते हैं देना, तो कंपार्ट वाले भी दे सकते हैं, बट उनको इस सेक्शन में जाना होगा। ओके, यहाँ भी क्या है, इंटर रोल नंबर, ए सिलेक्ट एग्जामिनेशन ईयर, यहाँ पर एग्जामिनेशन ईयर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे फ्रेंड 22, 21, 20, 19, 18, 17। ओके, इस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्लास 10, 12th यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोसीड कर दीजिएगा। ओके, तो ये प्रोसेस है। जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट में क्या है, एडिशनल सब्जेक्ट में आप जो बच्चे पास, इसमें भी क्या है, जो बच्चे पास हैं और जो एक या 2 सब्जेक्ट में फिलअप करना चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फीमेल पीडब्ल्यूडी, अगर जो बच्चे फ्रेश स्टूडेंट हैं, फीमेल हैं, और जो बच्चे दिल्ली के हैं और पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं, तो वो इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो मैं बताया हूँ, अपलोड इमेज करना है, फी पेमेंट करना है, और जो भी अगर इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9631210218, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैसेज कर सकते हैं, तो जो भी दिक्कत आएगी, तो उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, और मैं आपको हेल्प करूँगा फॉर्म फिलअप करने में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और बी केयरफुल व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तकलीफ बाय।